एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रामगढ़ शहर के प्रसिद्ध ज्वेलर्स प्रतिष्ठान तनिष्क ज्वेलर्स के मुख्य गेट के सामने नौकरी से निकाले गए कर्मियों ने अपने बकाया भुगतान को लेकर जमकर बवाल काटा और धरने पर बैठ गए। तनिष्क ज्वेलर्स से हटाए गए कर्मियों का आरोप है कि प्रतिष्ठान के HR रविकांत रवानी और मालिक आदित्य साहू कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक से बात नहीं करते, विरोध करने पर बिना नोटिस दिए काम से निकाल देते हैं। कर्मियों का यह भी आरोप है कि नौकरी से निकालने के बाद मालिक की ओर से बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है, उन्हें लगातार दौड़ाया जा रहा है। महीनों बीत गए लेकिन बकाया भुगतान करने में इस प्रतिष्ठान के मालिक आनाकानी कर रहे हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, तनिष्क ज्वेलर्स के कर्मी फिलहाल तनिष्क शोरूम के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रामगढ़ में मौजूद है तनिष्क ज्वेलर्स का ये शोरूम और आरोप है कि बिना किसी कारण के बेवजह कर्मचारियों को यहां के HR निकाल देते हैं बिना नोटिस के और बहुत ही गलत तरीके से पूरा प्रबंधन उनके साथ पेश आता है, जिसके विरोध में अब तमाम जो कर्मी हैं उन्होंने काम रोक दिया है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तनिष्क शोरूम के गेट पर ही वो जम गए, HR और मालिक पर आरोप लगाए इन कर्मचारियों ने। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाते हैं उस शोरूम के, जिसके बाहर में ये कर्मचारी धरना दे रहे हैं। जो प्रतिष्ठान का प्रबंधन है वो भी यहां पर मौजूद है और वो इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। कोशिश हम करेंगे हमारे सहयोगी से पूरे मामले को जानने की भी, जो इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। एक्सक्लूसिव तस्वीर पहले हम आपको पूरा दिखा लेते हैं। देखिए पूरा मामला यह है कि रामगढ़ में तनिष्क का यह शोरूम है, टाटा का एक ब्रांड तनिष्क ज्वेलरी का, और टाटा अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, एक अलग साख रखता है। लेकिन टाटा के इस प्रतिष्ठान तनिष्क के शोरूम में तनिष्क का जिसने भी फ्रेंचाइजी लिया होगा उस मालिक ने टाटा के उन तमाम नियम कानूनों को धत्ता बताते हुए कर्मचारियों को काम से बाहर निकाल दिया है। और देखिए तस्वीरें आप, और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी महावीर अग्रवाल का, जो इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोनलाइन पर जुड़ चुके। महावीर, क्या कुछ मामला है फिलहाल, किस तरीके से वहां का नजारा है और क्या तनाव की स्थिति है, या फिर बातचीत कर मामले का हल करने की कोशिश की जा रही है? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स प्रतिष्ठान है तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम, उसके मुख्य गेट के सामने नौकरी से निकाले गए कर्मियों के द्वारा अपना बकाया को लेकर जमकर बवाल काटा जा रहा है और धरने पर वो लोग सभी बैठ गए हैं। और वो जो बवाल काटा जा रहा था वो अभी तक जारी है, धरने पर लोग बैठे हुए हैं। हालांकि शुरू में 7-8 लोग थे लोग, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उसमें अभी 4-5 लोग बचे हुए हैं। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि जो तनिष्क का जो शोरूम है वो प्रतिष्ठान के HR है रविकांत रवानी और मालिक का नाम है आदित्य साहू, वो कर्मियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि महिला कर्मियों के साथ भी वो लोग दुर्व्यवहार करते हैं और बिना नोटिस दिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और अब उनका बकाया भुगतान जब वो मांगने जाते हैं तो महीनों सालों बीत गए लेकिन उन लोगों को बकाया भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उन लोगों ने मजबूर होकर आज ये निर्णय लिया है। जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो HR रविकांत रवानी और मालिक आदित्य साहू है वो जब भी पैसे मांगने जाते हैं, अपना बकाया मांगने जाते हैं, तो उन लोगों को जलील किया जाता है, गलत तरीके से बात किया जाता है और पुलिस को बुलाकर कार्रवाई करने की धमकी भी दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग आज वहां पे डटे हुए हैं, पुलिस को भी बुलाया गया, पुलिस ने भी जब पूरे मामले को समझा तो वो तनिष्क के जो शोरूम है उनको समझाने का प्रयास किया कि महिला कर्मी है, बुजुर्ग लोग हैं, इनका जो बकाया है वो इनको वापस दे दिया जाए, तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो इसको टालने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हंगामा कर रहे हैं उनमें जो महिला भी है, युवती भी है, बुजुर्ग भी है, उन लोगों का कहना है कि पुलिस को बुलाकर डराने धमकाने का काम बंद करें, उनका बकाया पैसा उनको वापस दे दिया जाए। महावीर, आप ये भी जानना चाहेंगे कि तनिष्क शोरूम में जो भी फिलहाल मौजूदा कर्मचारी है क्या वो भी इत्तेफाक रहते इससे, या फिर वो चुपचाप काम करें क्योंकि मजबूरी उनके सामने आके वो भी साथ दे रहे हैं अभी? जी, फिलहाल
फिलहाल वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों को निकाला गया है उन लोगों में आक्रोश है, उन लोगों का कहना है कि बिना मतलब के उन लोगों को निकाल दिया गया, भी उन लोगों को नोटिस भी नहीं दिया गया, उसके बाद भी उन लोगों ने सहन कर लिया कि ठीक है जब मालिक और जो एचआर है वो हमारे काम से शायद संतुष्ट नहीं होंगे, हमें निकाल दिया गया है बिना नोटिस दिए, लेकिन जो बकाया भुगतान है वो तो कर दें, वो अपने बकाया भुगतान के लिए इस तरह का कार्य करने के लिए मजबूर हुए, उनको वर्षों से तोड़ा जा रहा है। जो मैनेजर वहां पे थे उनका तो कहना है कि एक साल हो गया लेकिन मेरा जो बकाया वो नहीं दिया गया, और जो महिला कर्मी है उन लोगों का भी कहना है कि एक महीना से ज्यादा हो गया हम लोग को दौड़ाया जा रहा है, और जब हम लोग मांगते हैं तो हम लोगों को जलील किया जाता है, यही आरोप है और इसी से वो आक्रोशित है। उनको काम से निकाल दिया इसके लिए उन लोगों को कोई अफसोस नहीं है, उन लोगों का कहना है कि जिस तरह का यहाँ का व्यवहार है प्रबंधक का और एचआर का वो यहाँ पे काम करना भी मुश्किल है, उनको निकाल दिया गया है, उनका जो बकाया भुगतान है वो कर दें, वो लोग शांत होकर यहाँ से चले जाएंगे। यानी कि मामले कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि तनिष्क प्रतिष्ठान के जो मालिक है और जो एचआर है या फिर जो प्रबंधन के लोग हैं उनका उनकी आदत ही ऐसी रही है कि वो इससे कर्मचारियों को परेशान करते हैं, लगता है कि एक बार का नहीं कई बार का मामला है, वैसे लगता है कर्मचारियों को परेशान करते हैं, कर्मचारी निकल जाते हैं और फिर उनका बकाया नहीं देते और ऐसे तरह उनका प्रतिष्ठान चलता जा रहा है। जी ऐसा ही मामला है, और जब एचआर से जब न्यूज 11 की टीम ने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कैमरे से हट गए और बोले बिना मतलब का रिकॉर्डिंग मत कीजिए, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, और कैमरे के सामने से हट गए। रविकांत रवानी जब कुछ बात थी अगर उन लोगों की गलती नहीं थी तो उनको पूरे कैमरा का सामना करना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कैमरा का सामना नहीं किया, या कहा जा सकता है कि न्यूज 11 के कैमरा का सामना उस इसलिए नहीं किए कि वो लोग गलत हैं और जो कर्मी लोग बवाल काट रहे हैं वो सही हैं, इसीलिए वो कैमरे के सामने से हट गए। जी चलिए बहुत शुक्रिया महावीर, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी और उम्मीद करते हैं कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद जो स्थानीय प्रशासन है वो उस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं गरीब लोग होते हैं, इनके पैसे कोई तरीके से मारे तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और ऐसे लोगों पर और ऐसे प्रबंधन पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रतिष्ठान पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिला प्रशासन मदद करे इन गरीब कर्मचारियों के जो कि बहुत ही गरीब होते हैं और इनके पैसे कोई तरीके से मार ले तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है।